इन केस ऑफ कॉपर इफ यू विल ऑब्जर्व द वैल्यूज, कॉपर की वैल्यू 744 किलो जूल फी मोल, जिंक की वैल्यू 906, यानी ये वैल्यू ऐसी है ज्यादा है, ये वैल्यू कम है. ना ये क्यों है? ना लुक एट द बोर्ड. अगर हम कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक तश्कील देखें, कॉपर का जो भी अदर 29, तो 29वां इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए लगने वाली तवानाई कम है, 30वां इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए लगने वाली तवानाई जिंक में ज्यादा है. ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर हियर. तो मैंने कहा अभी पहले कि जब इलेक्ट्रॉन जोड़ी की हालत में होंगे, है ना, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए लगने वाली तवानाई ज्यादा होती है बनिस्बत सिंगल इलेक्ट्रॉन के. वो कहते हैं ना जो तो अकेला बच्चा होता है ना, तो भी कहानी सुनेगी ना आप लोगों ने, उसको जो है वो भेड़िया या बिल्ला उचक लेता है, बराबर है, ठीक है. तो ऐसी मामला है, इसीलिए कहा गया कि जो इंसान अकेला होता है उसको शैतान उचक लेता है, जल्दी उचक लेता है, और जो जमात की शक्ल में इज्तिमाइयत की शक्ल में होते हैं उन पर शैतान जल्दी हावी नहीं हो सकता. लाइफ वाइफ सिचुएशन है, समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि क्या हुआ कि यहाँ 29वां इलेक्ट्रॉन कॉपर 29 Ar4, ठीक है, 3d10 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d10 4s1, 29th इलेक्ट्रॉन एज ए 4s1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की शक्ल में है, सिंगल इलेक्ट्रॉन की शक्ल में है, इसलिए इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए लगने वाली तवानाई कैसी रहेगी, कम होती है. एंड द वैल्यू इज हाउ मच, 744. लेकिन जब मैं जिंक की तरफ जाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि Zn वॉट जो भी अदर 30 Ar4, ठीक है, नाउ 3d10 4s2, 30 के 30 इलेक्ट्रॉन जो है वो जिंक में कैसे हैं, पेयर्ड है. जिंक इज डायमैग्नेटिक इन नेचर, ये हम पढ़ेंगे आगे, मैग्नेटिज्म जो पढ़ेंगे की जो खसूसियात हैं पैरामैग्नेटिक फेरोमैग्नेटिक डिप्लोमासी में सब तफसील आई गया. नाउ व्हाट 3d10 4s2. अब जब मैं 30वां इलेक्ट्रॉन देखता हूं, 30th इलेक्ट्रॉन जब मैं देखता हूं जिंक में, वो 4s2 की शक्ल में है, इन अ पेयर्ड फॉर्म है, और पेयर्ड फॉर्म से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए लगने वाली तवानाई ज्यादा होती है, ज्यादा. इसलिए हम देखेंगे क्या कि वैल्यू जो है कितनी है. ये पहली आई है, देखिए अब एक इलेक्ट्रॉन कॉपर से चला गया, कॉपर तब्दील हो गया काय में, Pu पॉजिटिव में, इलेक्ट्रॉन कितने बचे, एक इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन जाने की वजह से. अब इसमें से इलेक्ट्रॉन जब मैं निकाल लूंगा, देखिए 28 की इलेक्ट्रॉनिक तश्कील क्या हो जाएगी, फिर हो जाएगी Ar4 3d10, ये तो इलेक्ट्रॉन चला गया, इसके लिए बात हो रही. अब यहाँ इलेक्ट्रॉन सब कैसे हैं, पेयर्ड है. अब यहाँ से ये 10वां इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, ये 10वां मतलब 3d10 वाला, मतलब 28वां इलेक्ट्रॉन, 10वां इलेक्ट्रॉन से मुराद क्या बोल रहा हूँ मैं, 3d10 का, ये मतलब कुल इलेक्ट्रॉन कितना 18, यहाँ ये 28वां, जैसे यहाँ 29वां इलेक्ट्रॉन ये वाला है, यहाँ 28वां इलेक्ट्रॉन का है 3d10 की शक्ल में, और 3d10 मतलब 5 जोड़ियां इलेक्ट्रॉन की, ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, 5 जोड़ियों की शक्ल में है. तो मतलब अब यहाँ पर 28वां इलेक्ट्रॉन जोड़ी की शक्ल में हो गया, इसलिए उसकी जो दूसरी आई ई रहेगी वो ज्यादा होती है, 1961 वैल्यू है. अब देखिए जिंक एक इलेक्ट्रॉन निकालने की वजह से तब्दील हुआ था में Zn पॉजिटिव में, मतलब इलेक्ट्रॉन की स्किन क्या आ गई यहाँ पर, Ar4 व्हाट 3d10 और देखिए पहले जो सिचुएशन यहाँ थी, मतलब अनपेयर्ड और पेयर्ड वाली सिचुएशन बोल रहा हूँ, यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था, यहाँ पेयर्ड था, तो इसके लिए कम इसके लिए ज्यादा. अब दूसरी आई में यहाँ पेयर्ड हो गया इलेक्ट्रॉन, यहाँ अनपेयर्ड हो गया, मतलब यहाँ अब ये इलेक्ट्रॉन मतलब कौन सा इलेक्ट्रॉन हो गया, 29वां इलेक्ट्रॉन हो गया, कहाँ से, Zn पॉजिटिव से. जब ये इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो ये तब्दील होगा काय में, Zn. नतीजा ये हुआ कि हम देखते हैं कि वैल्यू कैसी है, कैसी है, 1736, यानी किसके मुकाबले में था. तो ये जो तब्दीलियां हैं, ये जो ट्रेंड है, ये जो इरेगुलरिटीज है, हाँ, ये आपको क्या करना है, इस तरह की जो चीजें जब भी यूनिट में आएंगी, जहां जहां भी आएंगी, वो आपको कॉन्सेंट्रेट करना है, वहां पर आपको ज्यादा ध्यान देना है कि वो एक्सप्लेन करते आना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम्स में ज्यादातर इसी तरह के पूछे जाते हैं.
ये बात ध्यान रखिए, जो सवाल जो चीजें रूटीन में होती है वो कोई ध्यान नहीं देता। अरे भाई आप दुकान में खड़े हुए हैं, बराबर 50 लोग जा रहे हैं रास्ते से, है ना, हाँ हर एक को देखते हैं, लेकिन एक पेयर ऐसा जा रहा है समझ लो कि मियाँ की हाइट बहुत कम है और बीवी की हाइट बहुत ज्यादा है उसके मुकाबले, तो अब क्या होगा? हाँ, हर एक का ध्यान उसकी तरफ जाएगा, जाएगा ही जाएगा, क्यों? क्योंकि वो कैसा है, अनकॉमन चीज है, समझिए बात आई है। तो क्या हुआ, 1961 वैल्यू हो गई जिसकी, सेकंड आई वैल्यू किसकी, कॉपर की, मोर और लेस किसकी, तो ये क्यों है इसकी वजह आपके सामने, गॉट इट, ठीक है। नाउ अब इसका असर थर्मोडायनामिक आयाम पद्धति पर, आयनाइजेशन एंथैल्पी का जो असर है वो उनके अनासिर के मुरक्कबात की हरकियाती आयाम पद्धति पर पड़ता है। वो कैसे पड़ता है इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में, तब तक अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।